आज हम कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने जा रहे हैं बेबी पिंक का और ये पिंक कलर का। हम उसमें ये बड़ा वाला सितारा भी ऐड करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। और चार नंबर के काल लड्डू गोपाल जी के लिए हम बनाएंगे ड्रेस। इसमें हम चोली के लिए यहाँ पे हम 24 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24। ये देखिए हमने 24 चैन बना लिया है। अब इसी के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया एक हम एक्स्ट्रा और लेंगे, 1 25 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसी पे सिंगल क्रोशिया से बनाना शुरू करेंगे 5 लाइन। 1 ऐसे ही हम सभी फंदों में सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे। हमें 5 लाइन बनानी है। देखिए ऐसे हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया से और इसके आगे ये इसको लेके हम 5 लाइन बनाएंगे, फिर उसके आगे हम गला फोड़ेंगे। हमारा देखिए 5 लाइन बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हम गला फोड़ेंगे यहाँ पे। अगर आप लोग 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हो, क्योंकि ये ऊन पतला है इसीलिए ये 3 नंबर कान्हा जी के लिए परफेक्ट बैठेगा। अगर 4 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हो तो इसी का 28 फंदे का ये चैन बना लें। अब देखिए यहाँ पे हम 6 फंदे बुनाई करेंगे और ये सिंगल क्रोशिया से करेंगे। यहाँ पे हम एक चैन ले लेंगे। अब यहाँ पे एक तो हमने पहले चैन ले लिया इसलिए 2 हो गया, 3, 4, 5, 1, 6 हमने बना लिया। अब हम 12 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 चैन ये हमारा हो गया। अब इधर से हम 6 फंदे गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ से हम बुनाई सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब इसके आगे हम ये पूरा बना के कंप्लीट कर लिए। ये हमारा हो गया 3 फंदा, 4, 5, 1, 6। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर जैसे हमने यहाँ 5 लाइन बुनाई किया है वैसे चैन के आगे भी हम चैन के ऊपर बुनाई करते चले जाएंगे सिंगल क्रोशिया से। पहले हम एक चैन लेंगे और उसके बाद हम ऐसे बुनाई करते चले जाएंगे और चैन पे भी जितना हमारा 12 चैन लिए हैं 12 फंदे की बुनाई करेंगे। हमें 5 लाइन आगे भी बनानी है, बीच में हमारा गला हो जाएगा। ये देखिए ये तो हमारा 6 फंदे बुनाई हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम चैन पे जो 12 फंदे की है चैन, 12 चैन हमने लिया है। अब 1 फंदा इसमें बुनाई कर लिए। ऐसे ही हम सभी फंदा पे बुनाई करते चले जाएंगे। देखिए अब ऐसे ही हमें 5 लाइन बनानी है जैसे हमने इधर बनाया। देखिए हमने 5 लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम चोली को सिलाई करेंगे। अब ये क्रोशिया से ही सिल लेंगे, उल्टा जैसे सीधा आप लोग देख लेना, ये हमारा सीधा है शायद तो हम इसको उल्टा कर लिए हैं। अब ऐसे हम सिलाई कर लेंगे। इसको हमको सिलाई करनी है बस यहाँ जो गले के जितना हमने दिखाया है मुड़ा हुआ हमारा गला है बना, इसी के लाइन पे यहाँ तक सिलाई करनी है। ऐसे टाइट से सिलाई कर लेंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा, बराबर कर लें। ऐसे एक इधर का फंदा एक उधर का, दोनों साइड के हम फंदे बराबर लेके सिलाई करेंगे।
एक गला का देखिए, ये हमारा बराबर है। अब यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। एक और चैन हम बना के इसको हम ऊन को काट लेंगे यहाँ पे। ये हमारा अब अच्छे से सिलाई बराबर से हो गया है। अब हम इधर साइड में ऐसे ही बराबर से सिलाई कर लेंगे। चोली देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है। इसको हमने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हम चोली का घेर बनाना शुरू करेंगे। अब हम घेर बनाएंगे। हमने ऊन लगा लिया था। हमको तीन चैन लेनी है, 1 2 3। अब ये डबल क्रोशिया करके हमें हर फंदे में तीन तीन बनाने हैं। देखिए ये हमने तीन यहाँ पे बना लिया। एक तो हमारे चैन के फंदे हो गए, यहाँ पे हमने तीन बना लिया। अब फिर हम डबल क्रोशिया ले लिए हैं, यहाँ पे भी तीन हम बना लेंगे। हर फंदे में हम तीन तीन बना लेंगे। एक बार बना लेते हैं तो हमारा अच्छे से घेरा आ जाता है। हमको बार बार इसमें कोई भी 2 बार या 3 बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम 3 बार बना लिए हैं। देखो दूसरे में बना लिए, अब फिर तीसरा यहाँ पे हम तीन फिर यहाँ पे बना लेंगे। 2 ये 3। देखिए ऐसे ही हम हर फंदे में तीन तीन बनाते चले जाएंगे। ये हमारा खूब अच्छे से घेर आ जाएगा। फिर देखिए हमने बुनाई कर लिया है हर फंदे में तीन तीन। अब खूब अच्छे से हमारा घेर आ गया है। अब यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर लिया था। अब हम तीन चैन लेंगे। एक पहले मैंने ले लिया था, 2 1 3। अब ये डबल क्रोशिया से जैसे हमने ये बनाया है, हर एक फंदे में डबल क्रोशिया से बराबर बराबर बुनाई ऐसे करते चले जाएंगे। ऐसे ही हमें 2 लाइन बना के कंप्लीट करनी है। एकदम सिंपल ऐसे ही 2 लाइन मुझे बना के कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे हर फंदे में हमने बनाया। ऐसे ही हमें एक ये लाइन बना रहे हैं, 1 लाइन और बनाएंगे। हमने 2 लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 3 चैन ले लिया है, 1 4 चैन। अब हम ये डबल क्रोशिया करके हम हर फंदे में बुनाई करेंगे। देखिए 1 चैन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हम हर फंदे में बुनाई करते जाएंगे। फिर 1 चैन लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर हम बुनाई करेंगे, फिर 1 चैन लेंगे। हर फंदे में ऐसे ही करना है। 1 चैन लेना है, डबल क्रोशिया करना है, बुनाई करनी है। यह देखिए ये हमारा ऐसे आ गया। 1 लाइन हमें ऐसे ही बना के कंप्लीट करनी है। देखिए ये लाइन हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें 1 1 चैन 2 चैन 3 1 4 चैन हमने ले लिया। अब इसके बाद हम ये वाला क्रोशिया इस्तेमाल कर रहे हैं 60 mm का, 0.60 mm का, क्योंकि ये जो हमारे सितारे हैं इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। अब हम इसको इसमें डाल लिए हैं। अब थोड़ा ऐसे पकड़ के हमें ऐसे करके निकालना है। ऐसे हम निकाल लिए। अब एक क्रोशिया हम रख देंगे, ऐसे ही आराम से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्रोशिया को रख देंगे, फिर ए वाली क्रोशिया को ले लेंगे। अब हमें फिर 4 चैन बनानी है, 1 2 3 4। ये बहुत इजी है। अब देखिए हम अब इसमें ले आके इसको सिंगल क्रोशिया से ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर हम 1 2 3 4 हमने चैन बना लिया। अब हम एक क्रोशिया ले लिए। अब इसमें हम सितारा लगा लेंगे। ये हमारा सितारा चला गया। इसको हम क्या करेंगे, आराम से ऐसे ही करके ऐसे हम ऊन को निकाल लेंगे। ऊन को निकालने के बाद एक ऐसे निकाल लिए। अब यहाँ पे हम एक क्रोशिया ले लेंगे। हम निकाल के अब एक क्रोशिया से हम 4 चैन फिर बना लेंगे, 1 2 3 4। 4 हमारा ये बन गया। अब हम सिंगल क्रोशिया हर फंदे में इसको सिंगल क्रोशिया से ऐसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारा देखिए ये बॉर्डर का
सितारा यहाँ पे सभी में आ जाएगा। ये बहुत देख जितना ये आप लोगों को दिख रहा है ना, उससे कई गुना ये सुंदर लग रहा है रियल में। बनाइए और ऐसे ही सभी हम एक लाइन बना लेंगे। अभी हम बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमने चारों तरफ इसको लगा लिया सितारा को। आप लोग चाहोगे ऐसे भी कर सकते हो, इधर उधर भी कर सकते हो। पहनाने के बाद देखने में बहुत सुंदर लगता है ये, देखिए बहुत सुंदर लगता है ये। अब हम यहाँ पे चोली का बाजू बनाएंगे। अब ये चोली के बाजू का अब बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाएंगे ये हम पिंक कलर से। देखिए ये हमने एक चैन लेके ऐसे कर लिया। हर फंदे में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हम सिंगल हर क्रोशिया से बना लेंगे। ये हमारे एकदम सितारा के ये गुलाबी कलर मैचिंग को हो जाएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। आप लोग ये कमेंट करके बताना आप लोगों का ये कैसा लगा कान्हा जी का पोशाक ये सितारा वाला। अगर अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर जरूर करना हमारी वीडियो को। ये डबल हम क्रोशिया ले लिए हैं, सॉरी इसको सिंगल ही क्रोशिया बनानी है सभी में। एक और चैन ले लेंगे फिर यहाँ पे हम काट देंगे। अभी काट दिए हैं, अभी अंदर से हम इसको हटा लेंगे ऊन को। ऐसे ही हमें गले का बनाना है। देखिए गले का ऐसे बनाएंगे, ऐसे ही इस बाजू का बन जाएगा। तो हमारा कान्हा जी का ये पोशाक बन के तैयार हो जाएगा। हमने गला और बाजू का बॉर्डर बना लिया है। अब लड्डू गोपाल जी के लिए हमने देखिए एक कैप बनाई हूँ। कैसा लगा आप लोगों को एक कैप कमेंट में बताना जरूर। अगर ये लड्डू गोपाल का पोशाक आप लोगों को अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोग करें। अब वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।